हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू ग्लैम मंत्रा। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। सो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है सो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो है हम अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। सो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने अप्लाई किया है गार्नियर एज मिराकल क्रीम। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो क्रीम। सो ये है मेरा मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है। सो अभी मैं इस्तेमाल करूँगी ये प्राइमर। सो ये है स्टेक वर्की का प्राइमर। और सबसे पहले जो है मैंने अपने फेस को जो है एवोन एनियो क्लिनजर से क्लीन कर लिया था। सो उसके बाद जो है मैंने मॉइस्चराइज़र, देन अभी मैं ये प्राइमर इस्तेमाल करने वाली हूँ। सो मैं अपनी टी जोन पे ये प्राइमर इस्तेमाल करूँगी। सो प्राइमर बहुत ही अच्छा रहता है आपकी पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, और आपका जो मेकअप है बहुत देर तक स्टे करने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। सो मैं अच्छी तरह से इस प्राइमर को अपने पूरे फेस पर जो है अप्लाई कर लूँगी। सो इसके बाद जो है मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए मेरा फेवरेट फाउंडेशन है ये है लैक्मी 925 वेटलेस मूस फाउंडेशन। इसमें मेरा जो शेड है वो है 08 कैरामिल। सो ये है वो फाउंडेशन, ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से बिल्कुल भी मैच कर जाता है। सो मैं अब इसको अच्छी तरह से जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। पहले जो है मैं अपने पूरे फेस पे जो है इसके डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेती हूँ, और फिर मैं इसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से जो है ब्लेंड कर लूँगी। सो मैंने जो है फाउंडेशन इस्तेमाल कर लिया है। आप देख सकते हो मेरा स्किन का जो बेस मेकअप है बहुत ही अच्छी तरह अच्छा लग रहा है। सो ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। सो अभी मैं जो है करूँगी अपने आईब्रो। सो आईब्रो के लिए मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगी। सो सॉरी गिर गया था। सो ये है ओरिफ्लेम का वेरी मी आईब्रो। सो इससे मैं जो है अपनी आईब्रो जो है ठीक कर लेती हूँ। सो मैंने अपना आईब्रो डन कर लिया है, और इसके बाद जो है मैंने ये काजल अप्लाई किया है। ये है एवन टू पावर स्टे 24 आवर्स ए वाला काजल। सो अभी मैं जो है अपने आई मेकअप डन करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है ये वाला पैलेट, ये है आई मैजिक प्रो प्रोफेशनल कॉस्मेटिक। सो आज मैं एक रेड कलर का साड़ी पहनने वाली हूँ। सो इसके लिए मैं जो है थोड़ा सा लाइट ही मेकअप करूँगी। सो आई मेकअप भी थोड़ा लाइट होगा। सो मैं जो है ये वाला शेड ले लेती हूँ, ये वाला शेड। इसके ऊपर जो है ये वाला आई शेडो अप्लाई करूँगी। ये है वेट एंड वाइल्ड का
एक ही ग्लिटर आई शेडो। सो ये मैं अपने आईज के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट मैं ये कॉन्टोर अप्लाई कर लेती हूँ। ये है एवन का कॉन्टोर पैलेट। इसके अंदर जो है कॉन्टोर एंड हाइलाइटर दोनों हैं। सो ये है, इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। इसका प्राइस है 119, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक पैलेट है। सो इसमें टोटल 3 शेड अवेलेबल है। मैंने ये वाला शेड लिया है, आप चाहे तो दूसरा वाला भी ट्राई कर सकते हो। सो ये आपको एवन में ऑफ़र में मिल जाएगा। हर 2-3 महीने में ऑफ़र आता है एवन ब्रांड के ऊपर। सो आप चेक कर सकते हो अगर आपके आसपास कोई भी करीबी एवन रिप्रेजेंटेटिव है, सो आप उससे भी इसको ले सकते हो। सो मैं अपने चीक एंड नोज को अच्छी तरह से जो है कंटूर कर लेती हूँ। सो ये है कॉन्टोर। सो अभी मैं ये वाला आईलाइनर इस्तेमाल करूँगी। ये है मेबेलिन कोलोशल का बोल्ड आईलाइनर। ये मैंने अपने दोनों आईज पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो अब मैं अप्लाई करूँगी मास्कारा। मास्कारा के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी एवन सिंपली प्रिटी का मास्कारा। इसका जो प्राइस है वो है 375, लेकिन ये भी आपको ऑफ़र में 299 में मिल जाएगा। ये मास्कारा भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्लीक है, जो कि आप आसानी से कहीं पर कैरी कर सकते हो। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। इसका नेट वेट शायद है 3.7 ग्राम। सो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप और कोई भी मस्कारा अप्लाई कर सकते हो। मैं अपने ऊपर लैश लाइन और नीचे वाले लैश लाइन पे भी मस्कारा अप्लाई कर लिया है। सो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। सो ब्लश के लिए मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन मेरा जो फेवरेट ब्लश है वो है ये ओरिफ्लेम का द वन ब्लश। ये है वो ब्लश, ये शेड बहुत ही अच्छा है। और इस शेड में जो है, इसका जो शेड नेम है वो है ब्लश, सॉरी शेड नेम यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो ये ब्लश भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें टोटल 3 शेड अवेलेबल है। इसका प्राइस है 399। और ये जो ब्लश ब्रश है, ये है एवन का ब्लश ब्रश। ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, देखिए बहुत ही अच्छा भी इसका पिगमेंट है। और ये काफ़ी अच्छा एक ब्लश है। और मुझे ब्लश अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं अब ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद जो है मैंने ये वाला हाइलाइटर मैं अप्लाई करूँगी। ये है रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, जो कि है प्रो इल्यूमिनेट हाइलाइटर। सो
अब मैं ये हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ। हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका पिगमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी हाइलाइटर तो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। आई थिंक ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो आप इस वीडियो को एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको और कुछ वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो ये लिप शेड अप्लाई किया है ये है एवन ट्रू का मैट लिक्विड लिप लिक्विड और इसका शेड है हेड टर्नर। सो और लास्ट में मैंने जो है स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया है। सो आई थिंक ये मेकअप लुक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सो मेरा फाइनल लुक कैसा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बाय एंड टेक केयर।